जम्मू की मलिक मार्केट में हालात सामान्य, दुकानदारों ने खोली आज अपनी दुकानें, प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मलिक मार्केट मामले पर भड़के शिवसेना ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन, वहीं प्रशासन की कार्रवाई की शिवसेना ने की निंदा। बनी में पिछले 10 दिनों से हो रहा भूस्खलन, आधा दर्जन पंचायतों के रास्ते चढ़े भूस्खलन की भेंट, 20,000 जनसंख्या भूस्खलन से हुई प्रभावित। सिंचाई विभाग नहीं निभा रही अपनी जिम्मेदारी, एक साल से खराब पड़ा जिंदर मेलू का ट्यूबवेल, फसलों की सिंचाई किसानों के लिए बनी दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने को लेकर जम्मू की मलिक मार्केट में कल जहां पैदा हुआ तनाव के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। आज क्षेत्र में आए आम दिनों की तरह ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोली और वहीं प्रशासन ने एक बार फिर कहा कि ये अभियान उन लोगों के विरुद्ध चलाया जा रहा है जिन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं लोगों ने सरकार से लिखित में आश्वासन देने की मांग की है। मैं एक बार ये जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करें या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है, ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके, ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। जिसके साथ भी है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। देखो एक स्टेट लैंड में एक खाली करोगे तो बाकी किसको, देखो सब डर गए हैं बच्चे, कल के कुछ लोग बीमार हो गए यहाँ पर, आज इसकी ड्यूटी है, कल हमारी बारी है। या तो रिटर्न में लेके देने, भाई ये तोड़ेंगे हम किसी के नहीं तोड़ेंगे, फिर तो ये रिटर्न में देते नहीं है लेकर, मतलब रिटर्न की मांग है जो सरकार बोल रही है ताकि तोड़ेंगे। वो एक दुकान है किसी के पास जो कमरे हैं वो क्यों तोड़ने हैं, वो तो पहले कहा है कि वो नहीं तोड़ेंगे, रिटर्न में देना, रिटर्न में नहीं देते हैं, कोई दे देना रिटर्न में, फिर कोई नहीं बोलेगा यहाँ। मेन मुद्दा जो यहाँ पे है ना ये ड्राइव का नहीं है, ये है लोगों के अंदर एक भड़काने का काम शुरू किया हुआ है कि लोग भड़कें, लोग भड़क के नुकसान करें, चाहे वो सरकार की प्रॉपर्टी का हो चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का हो। ठीक है, मेन मुद्दा जो है यहाँ पे कुछ और है और इसको लेके जाया जा रहा किसी और साइड पे। तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे हम एलजी सरकार से कि क्या वाकया वो पब्लिक के हक में जा रहे हैं, जिनके पास उनकी खुद की बाइट है, खुद का बोला हुआ है कि 15 मरले तक हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। जो कल इन्होंने ये ड्राइव की है तो इसका 18 मरले का टोटल जगह है ये, इस बेचारे का क्या कसूर था? जब एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई 15 मरले तक हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ ये 18 मरले वाले का तोड़फोड़ किया तो क्यों किया? या तो इसका लोगों को बताएं कि हाँ भाई इस बंदे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या इस बंदे का कुछ और माफिया से कोई तल्लक है, किस वजह से इस एक बंदे का तोड़ने का, यहाँ इतना एरिया छोड़ के एक बंदे को नुकसान पहुंचाने का क्या मकसद था?
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार द्वारा सरकारी जमीनों को खाली करवाने के फरमान को आड़े हाथों लिया है। इस मामले को लेकर आज शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की अगुवाही कर रहे शिवसेना के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों से लोग इन जमीनों पर रह रहे हैं और वहीं उन्हें ये जमीनें पिछली सरकारों द्वारा दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक और सरकार लोगों को उनके घरों से बेदखल न करने की बात करती है और दूसरी तरफ सरकार उनके मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने सरकार से सरकारी जमीनों पर रहने वाले लोगों को जल्द ही जमीनें आवंटन करने की मांग की है। लगातार सरकार ने जो फरमान जारी किया है, अवैध कब्जाधारियों के जगह जो है उनके आशियाने गिराए जा रहे हैं, उनको जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। दशकों से वो उस जमीन पर जो है अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, दशकों से इस जमीन पर उन्होंने आशियाने बना रखे थे। पूर्व की तमाम सरकारों ने उनको जगह जो है वो अलॉट की थी, राजा महाराजा के समय की ये जगह थी। आज हम सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार जो मौखिक आश्वासन दे रही है लगातार, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो लगातार मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि किसी को तंग नहीं किया जाएगा, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, वो मौखिक आश्वासन के साथ साथ इन जमीनों को आवंटन करने की प्रक्रिया को भी अंजाम दे ताकि लोगों को विश्वास हो। देखिए, मौखिक आश्वासन से किसी को विश्वास नहीं हो रहा। बीते कल जो हमने बठिंडी के अंदर देखा, एक दिन पहले वहां आकर जो है धरना प्रदर्शन सरकार प्रशासनिक अधिकारी खत्म करवाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि किसी तरह की कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जाएगा। अगले ही दिन वहां पर बुलडोजर भेजकर जो है कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। लोगों का सबर का बांध ना तोड़ा जाए, गरीबों को परेशान करना। उधर राजस्व विभाग द्वारा बजालता में जमीन खाली करवाने के नोटिस जारी करने को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष है। इन दुकानदारों के समर्थन में अब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर सेठी भी उतर आए हैं। राजस्व विभाग की इस कार्यवाही के विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया और राजस्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन की अगुवाही कर रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर सेठी ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से ये लोग यहां पर दुकानें बनाकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर लोगों को रोजगार छीने नहीं देंगे। बजालता के अंदर जिस प्रकार से खून पसीने की कमाई की दुकानें जो 40-40, 50-50 साल के बाद हमारे सब भाई बंधु यहां कर रहे हैं, आज उनको आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नोटिस लगा दिया कि 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, नहीं तो हम खाली करवा लेंगे। इतनी हिम्मत है इन माई के लालों में? जो प्रजालता विजालता के अंदर आके जो दुकानें 40-40 साल की हाथ लगाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि जब लोग जाग जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी भाग जाती है। मलिक मार्केट की घटना को लेकर आज जम्मू शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन की अगुवाही कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने प्रशासन से इस घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घाटी की तरह जम्मू के हालात को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को जम्मू वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। से नहीं लगेगा, उपद्रवियों को पकड़ करके अंदर नहीं किया जाएगा तो फिर भूचाल आएगा। मत कोई अपने दिमाग के अंदर ये रखे कि कश्मीर की तरह जम्मू के हालात भी खराब करने की साजिश हो जाएगी। उनको पता नहीं है 370 गई, अब यूटी है। यूटी के जो रूल है, नियम है, बड़े सख्त है। ऊपर कोई ऐसी सरकार नहीं बैठी हुई जो आपके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास करेगी, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट हैं। ये गुंडागर्दी कभी बर्दाश्त नहीं होगी। गाड़ियों को तोड़ना और जो जाने वाले राहगीर है उनके विषय के अंदर उनको मारने का प्रयास करना, अरे ये क्या है? और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन चुप करके क्यों बैठी हुई है?
जिला कठुआ की पहाड़ी सब डिवीजन बने इलाके में पिछले 10 दिनों से लगातार भूस्खलन के चलते करीब आधा दर्जन पंचायतों की 20,000 की आबादी के रास्ते कट गए हैं, जिससे कि स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार भूस्खलन के कारण हो रहा ये बताया जा रहा है कि बनी की गत्ती पंचायत में भी NHPC द्वारा सेवा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है और वहीं दरिया का पानी रोकने के लिए एक झील का निर्माण किया गया है। वहीं झील में पानी जमा होने के कारण पिछले 4-5 महीने से लगातार भूस्खलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री का ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं सिंचाई विभाग की अनदेखी के कारण खेतों की सिंचाई के प्रमुख माध्यम यानी कि ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें आरसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू में स्थित ट्यूबवेल की हैं। पिछले एक वर्ष से ये ट्यूबवेल खराब पड़ा है, लेकिन इसकी मरम्मत को लेकर सिंचाई विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे क्षेत्र के किसान बेहद परेशान हैं। कई बारी रिक्वेस्ट की थी कि गांव जिंदड़ मेलू में एलिकेशन का ट्यूबवेल है, वो पिछले 40-50 साल तो इतने लगे रहा ट्यूबवेल, और एक साल तो बिल्कुल बंद पे रहा, और आजकल तो ही तकदे हो कि नहरा बिल्कुल बंद ना, और अप्रैल महीने तक जी नहर बंद रहनी है साड़ी, और सानू काफ़ी जी जरूरत ने इस टाइम पानी दियाँ, जोड़ा साढ़े फसल ने कणक ने साढ़ा स्टाल है। इस ट्यूबवेल के पानी से 4 गांवों के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन पिछले एक साल से ट्यूबवेल बंद होने से इन 4 गांवों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं, और सिंचाई विभाग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। तो अलावा हूँ माह मूह लोगों बीजना है, 4 ग्रां सा पानी लगता है, बारा चक, नानका चक, अठाणा और जिंदड़ मेलू, और मैं बड़ी बारी अपील की है, मैं एलीकेशन महकमे अगे कि जनाब जल्दी से जल्दी ठीक किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इस समय नहर का पानी बंद है और ट्यूबवेल के बंद होने से किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। ते नहर भी बंद है इतने, ते मतलब सारा कोई चारा नहीं चलन रहा, मतलब करी कराइए तो मतलब ट्यूबवेल ठीक कराओ जी, सारा ये बड़ा मतलब बहुत हवाई आ रही सर, फसल सारा सुकन रहा, ते तुस करो मतलब को सारा चारा जिन्ना भी हो सकता है। परेशानी दे पानी नहीं है साढ़े को, नहर का पानी नहीं आता, उपरू साड़ी जमीन सुके कर दी, स्टाले सुके करते हैं, कणक सुके कर दी, सानू पानी मिलता ही नहीं है, ये ट्यूबवेल की सानू सुविधा है ही, लेकिन ये बंद है, 1.5 साल का बंद है। किसानों का आरोप है इस ट्यूबवेल की सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी ने पिछले एक साल से सुध नहीं ली, हालांकि उन्होंने कई बार इसकी मरम्मत को लेकर गुहार भी लगाई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। इधर कहना है कि सर कहना सरकारी ट्यूबवेल है ना, कोई ऑपरेटर है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर इतना ऑपरेटर लाए देना तो उन्हें वो तनखा लेंगे, इतना कोई आता नहीं है टाइम से, टाइम कोई टाइम टेबल नहीं है ना, ट्यूबवेल ठीक होता है, ये ट्यूबवेल देता था सानू बार्डर एरिया का इतना मतलब लास्ट वाला, लेकिन इधर पानी नहीं आता सानू, इधर लगाने का क्या मतलब है, अगर ये बंद रहना है तो ऑपरेटर तनखा लेंगे पे ना, तो इधर कोई मकसद नहीं है, जहाँ तक इधर जी ऑपरेटर रखे दे। जब किसानों को सिंचाई के लिए समय पर पानी मुहैया नहीं होगा तो वो फसलें कैसे तैयार करेंगे, अगर फसल ही खराब हो गई तो उनकी आय दोगुनी होना तो दूर, उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल है। आरसपुरा से अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट।
श्री गुरु रविदास जी के 646वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रमों का और वहीं शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर विभिन्न संगठनों से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के एससी मोर्चा द्वारा भी जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्ण भगत और पूर्व विधायक नीलम लंगे सहित भाजपा के बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान श्री गुरु रविदास जी के जीवन पर रोशनी डाली गई और लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया गया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा की ओर से पूरे देशवासियों को आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की जयंती पर बहुत 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 दिल की अमीक गहराइयों से बधाई पेश करता हूँ। संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जीवनी पे तो हम चर्चा आज यहाँ पे करेंगे ही, लेकिन संत गुरु रविदास जी महाराज जी की जो दिशा निर्देश थे उस दिशा निर्देश पे हमारे पूरे लोग चलेंगे। माननीय संत गुरु रविदास जी महाराज ने पूरे देश को, पूरे लोगों को जात पात और ऊंच नीच की जो दूरियां थी उनको कम करके एक सूत्र में बांधने का काम किया, पूरे लोगों को एक सूत्र में बांधा है। उधर वार्ड नंबर 52 त्रिकुटा नगर स्थित मार्बल मार्केट में भी श्री गुरु रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं केठू मोहल्ला वेलफेयर कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्थानीय लोगों ने श्री गुरु रविदास जी को नमन किया। श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर 646वें जन्मदिन पर हम सभी देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं कि 223वां साल हर परिवार के लिए खुशियां लेकर गया है और खुशियों से भरा हो, हर घर में खुशी हो। और आज कैंटू महल्ला वेलफेयर कमेटी की ओर से यहां पर लंगर का आयोजन किया गया है। वहीं श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर जम्मू के कृष्णा नगर स्थित गुरु रविदास मंदिर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस दौरान लोगों को श्री गुरु रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। जन्मदिन के ऊपर मैं सारे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ और आज का दिन जो अवसर के ऊपर सब पूरे कृष्णा नगर और भारतवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गैजेटेड मुलाजमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में सातवां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि उन्हें अभी तक पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ भी नहीं मिल पाया है। इन लोगों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने उपराज्यपाल से भेंट कर अपनी मांग उनके समक्ष रखी थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी और उन्होंने उम्मीद भी जताई थी वहीं उपराज्यपाल जल्द उनकी मांग को पूरा करेंगे। 96 से 5th पे कमीशन से जब ये लागू हुआ उस वक्त हमारे पुलिस के दो रैंकों को डिनाई किया गया, ये ऐसे ही हेड कांस्टेबल को, और उसके बाद एज इट इज चलता रहा। 6th पे कमीशन में भी इसी तरह हुआ और 7th पे कमीशन में आकर इनका ग्रेड बनाया गया। तो इस बिटवीन जिन लोगों ने सर्विस किया या रिटायर हुए हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। हम मोदी एलजी साहब से मिले थे 21 जनवरी को, तो एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर आपका अंडर रूल हुआ तो ये काम आपका पक्का मैं कर दूंगा। तो हमें बड़ी उम्मीद हुई और बड़ी दिल में खुशी भी हुई कि ये हमारे इस देराने मसले को पहली दफ़ा किसी ऑफिसर ने इतने पूर्व इतमाद से हमें आश्वासन भरोसा दिया है। तो अब हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि हमारा मसला वेरी शॉर्टली ये जल्द से जल्द हल हो जाएगा।
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मानसर की ओर से जेके जम्मू कश्मीर बैंक मानसर में बीते दिन छात्रों के लिए एक एक्सपोजर विजिट आयोजित की गई। वहीं स्कूल प्रिंसिपल चारू आनंद और आईटी टीचर नीरज जबगोत्रा की अगुवाही में आयोजित की गई विजिट में आईटी और आईटीईसी के स्टूडेंट्स को बैंक के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई और ये यात्रा व्यावसायिक शिक्षा का एक हिस्सा थी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 सामान्य शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और वहीं मुख्या धारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है और दौरे के दौरान कई मशीनें और उपकरण जो आईटी का हिस्सा है उन्हें बैंक के अधिकारियों द्वारा छात्रों को जानकारी दी गई और इस दौरान अन्य स्कूल टीचर भी उनके साथ मौजूद थे। वहीं शहीद राइफलमैन सुखजिंदर सिंह की याद में जेके ब्लड डोनर्स एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुचेतगढ़ बॉर्डर पर स्थित ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस दौरान काफी संख्या में युवाओं ने आगे आकर रक्तदान किया। नाले में फैली गंदगी से जम्मू के वार्ड नंबर 24 और 27 के लोग बेहद ही परेशान हैं। लोगों के मुताबिक नाले में पड़ी गंदगी कई बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। यही नहीं, नाले से उठने वाली बदबू से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जम्मू नगर निगम इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने इस नाले को जल्द ही कवर करने की मांग की। ये नाला कितनी देर से इतना बड़ा नाला है, पानी आता है इसमें जब बरसात में बहुत ही। दूसरा नंबर आप देख सकते हो इसमें कितनी गंदगी है। ये सीवरेज की पाइपें लगाई हैं, ये भी बेकार हैं, सारी गंदगी इसमें आ रही है। ना ही ये नाला कवर हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है इसके ऊपर, जबकि पीछे तक नाला ये पूरा का पूरा कवर किया गया है। यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ थोड़ा सा ही है, ये एरिया छोड़ दिया गया है। कॉर्पोरेटर से बात की है अपने अनुबाली से? हाँ, मैंने वार्ड नंबर 24 के कॉर्पोरेटर से अनुबाली जी से भी बात की है। उसके बाद इनसे पहले जो अरुण खन्ना जी थे, मैंने उनसे भी बात की है। क्या रिस्पांस आया आपका? कोई रिस्पांस नहीं, बस आश्वासन देते हैं। नाला गंद बहुत है, चूहे बहुत आते हैं, अंदर चूहे घुसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे आपका चैनल का। इधर परेशानी बड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, कोई सुनाई नहीं है इस नाले में। बहुत बहुत वो आती है, बीमारी का घर है। यहाँ पर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें। यहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाते हैं नाले की वजह से, स्मेल का ही अलग प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ अभी डेंगू भी चल रहा है तो यहाँ से मच्छर वगैरह आ जाता है, चूहे भी घर पर घुस आते हैं। तो इन सब समस्याओं की वजह से हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कॉर्पोरेटर साहब से कि हमारे नाले को यहाँ पर कुछ किया जाए, कवर किया जाए, इसको ठीक किया जाए। जम्मू के पुराने मंडी इलाके में बिजली की लटकती हुई तारें दुकानदारों और वहीं स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों को छूती हुई जा रही बिजली की तारें किसी भी समय बड़े हादसे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार पीडीडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस खतरे से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये तारें जो हैं, इलेक्ट्रिक तारें जो हैं, सारे महल्ले में जाकर देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। कितनी दफ़ा यहाँ पर वो मीटर रीडर लाइन्समैन आते हैं, उनको बताया कि भैया यहाँ कनेक्शन वगैरह दिए हुए उन्होंने, तो ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ऊपर को नज़र ही नहीं है, नीचे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो ईंटें लगा रहे हैं, ये कभी उखाड़ रहे हैं, कभी भी ये कर रहे हैं। इससे बिजली की शॉर्टेज हो गई, आस पास घर हैं, मंकी आकर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये हमारी चैलेंज है गवर्नमेंट से कि ये इंसानों को जल्दी जल्दी से ठीक किया जाए, ताकि बाहर की कॉलोनियों में बड़ा अच्छा सिस्टम है। सिटी में ये हार्ट ऑफ द सिटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तारों की हालत देखिए कितनी नीचे है, ये कभी भी कोई भी इसको अगर टच करेगा जो तारों में जो इसकी वो रहता है वो भी चांसेस ज़्यादा रहती है, किसी को टच हुआ कोई भी कैजुअलिटी किसी वक्त भी हो सकती है।
हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करेंगे और एक्शन के अपने जो परेड के एक्शन है उनसे मांग करते हैं कि ये तारें जल्द से जल्द खत्म की जाएं, जिससे कोई भी आने वाला जो कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो या कोई कैजुअलिटी हो जाए उससे हमें वो होने नहीं चाहिए। सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों को मुख्य सड़क से जोड़ने के आए दिन दावे किए जाते हैं। सड़क के इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी पोल खोल रहे हैं जम्मू की तहसील आरएसपुरा के गांव जिंदर मेलू के लोग। इस गांव के लोगों का आरोप है कि इस आधुनिक दौर में भी उनके गांव का रास्ता कच्चा है और उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव की सड़क के निर्माण को लेकर वो स्थानीय पंचायत के अलावा पीडब्ल्यूडी सहित जन प्रतिनिधियों से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर एक ने उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दिया है। इन लोगों ने सरकार से जल्द उनके गांव की सड़क का निर्माण करने की मांग की है। पंचायत कोल भी गए अहीं ते पंच सरपंचा नूं भी लियांदा, फिर ओ चेयरमैन साहब भी आए हन, तकरीबन मतलब पीडब्ल्यूडी वाले भी आए ने दो चार बार, अहीं काफी बार गए हैं, मतलब काफी बार इत्थे पहले भी अहीं इहदे फोटो खिचा चुके हाँ। तो अशोक गुप्ता जी भी आए ही, उन्होंने भी सानू कहा ही कोई गल नहीं कि अहीं मतलब तुहाडी समस्या दूर करांगे। समस्या जी है देखो एडे एडे खड्डे पेज ने, तो यह देखो साडा रोड टुटे दा, न्याणे ना मोटरसाइकिल चलता है ना स्कूटर चलता, तो मतलब न्याणे पैदल आते ना भी बूट हाथ च फट के आते हैं, तो यह साडी समस्या क अहीं चाहते हाँ क जे अहीं जाने पंजाब कोल अपनी इंजीनियर मेलू वाले कोल, वह सानू कहंदे ने जी वह रठाने च पैंदे ने, महाराज वह बोर्ड साढ़े पिंड साडा वार्ड नंबर 3, तो वह सानू कहंदे ने जी रठाने वालेयां नू कहो बनाओ जाके, और रठाने वालेयां कोल जाने आ ते वह कहंदे जी तुसीं पंचायत तुहाडी जिंदड़ मिलू है तुसीं अपनी पंचायत नाल गल करो, ते साडी समस्या आ का अहीं सरपंच पंच नू भी कहा, चेयरमैन भी आया ही, सारे सानू लारा दे के चले गए, कोई किसी ने नहीं देखिया। महाराज ये रोड साडा कच्चा टुटा दा, बच्चे जो स्कूल आते हैं बारिश होंगी है चिक्कड़ इतने लंघ ना मोटरसाइकिल लंघता ना गड्डी लंघती है, तो अगर कोई राती कोई बीमार हो जाए तो अं कितों लैके जाइए इन्हें कि किस तरह उतों लैके जाएंगे, साढ़ा कोई पंच नहीं सरपंच नहीं है, कोई साड़ी सुनता नहीं पाया, कोई पीडब्ल्यू वाला सुनता नहीं पाया, आए सन 3 नंबर वार्ड के अं साडे घर ने इतना 15-20 घर ने, अं कि चिर 20 साल हो गए रेंदे इतने, कोई डिवेलपमेंट नहीं है, साड़ी कोई सुनता कोई नहीं है, लेकिन अं सरकार अगर दरख्वास्त करने कि साड़ी अर्ज है कि ज़्यादा नहीं तो हम सू RPM भी पा दौ, थोड़ा सा पैरा सुखा हो जाए, साले बच्चे जड़े ने आराम लंघ जा। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।